मठरी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी एक फिक्स मेजरमेंट से ही बनाए तो ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक कटोरी ये मैदा लिया है, आप किसी भी चीज़ से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसका 1/4 सूजी लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैदा और सूजी मिक्स कर लीजिए एक साथ, 1/4 ही सूजी रहेगा तो ही खस्ता बनेगी सूजी मठरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे पिंच ऑफ, या देखिए इस तरह से 1/4 स्पून बेकिंग सोडा रहेगा, और थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको क्रश बिल्कुल नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही डाल दीजिए, क्योंकि ये मठरी में जब दिखती है तो अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई थोड़ी दरदरी, मतलब कुटी हुई हो ब्लैक पेपर पाउडर, इस तरह से आप डाल दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना भी डालें, लेकिन इसको डालने से स्वाद और दुगना बढ़ जाता है। और साथ में डालेंगे मोयन, इस मोयन को अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्का नमक ही रहेगा इसमें, मटरी में हल्का नमक ही रहता है। और गुनगुने पानी से एक आटे का डो लगा लेंगे। तो इसको फूलने के लिए थोड़ा सा मतलब गर्म पानी ही चाहिए सूजी को फूलने के लिए, तो आटे का डो लगाएंगे, तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी लेंगे, इससे अच्छे से डो लग जाएगा, सूजी को फूलने का वो मिल जाएगा, तो अच्छे से सूजी गर्म पानी में फूल जाएगी, क्योंकि ठंडे पानी से नहीं फूलेगी। तो इस तरह से डो लगाएं, और इसको रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आटे को इस तरह से रख दें, और उसके बाद तब ये मठरी बनाएं। यहाँ पे हमने जो है डो लगा लिया, रेस्ट पे भी रख दिए। तो यहाँ पे इस तरह से एक पेड़े के आकार का ले लेंगे लोई, और उसको बेलेंगे, पतला बेलना है एकदम, बहुत मोटा नहीं चाहिए। तो ये अच्छे से देखिए इस तरह से बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा हो जाए आप इसको कर लीजिए, कोई गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये बन रहा है जिस आकार में बन रहा है उसको बना लीजिए। जितना पतला हो गया आप देख लीजिए, उतना पतला मैं उतना बड़ा एक रोटी जैसे बना ली हूँ। और यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा मोयन, आप अच्छे से पूरे फैला दीजिए, और फैलाने के बाद एक इस तरह से रोल बनाइए, देखिए जैसे बचपन में हम कागज़ का पहले बनाते थे, खेलते थे, कुछ भी चीज़ बनाते थे, तो इस तरह से एक रोल बनाइए, और रोल बनाने के बाद से इसको चाकू से नाइफ से काट लीजिए, जितना आपको पतला बनाना हो ना उसी हिसाब से काटिएगा। अगर और भी पतला चाहिए आपको मठरी, तो उसका कट जो है और पतला लगाइएगा। उसके बाद सब अलग करके क्या करेंगे, इसको एक या तो इसको बेलन से बेल लेंगे, या फिर देखिए इस तरह से इतना पतला अगर आप चाहते हैं तो पतला बेल लीजिए, ये परत इसकी सारी खुल जाएंगी। या अगर हाथ से थोड़ा अगर आपको मोटा पसंद है तो इस तरह से हाथों से दबा लीजिए, या किसी ग्लास से या किसी कटोरी से आप दबा सकते हैं। तो इस तरह से अपने हाथों पर दोनों हथेलियों से लेके इस तरह से दबाइए, मैंने इसी तरह से बनाया है। तो सारी मठरी मेरी एकदम रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने एक मठरी डाल के देखा है, तो यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म नहीं चाहिए, इसमें जो तेल हमारा है एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, जिसमें मठरी हमारी धीरे धीरे सिकाती रहे, तो सिकती रहे, इस तरह से तेल हमारा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने गैस का जो आँच है वो बंद कर दिया है, और उसके बाद मठरी मैं डाली हूँ अपनी सारी मठरियों को, जितना मतलब हो सका उसको डाली हूँ। अब इसको मुझे जब जब मुझे लगेगा कि इसको ऑन करना है, गैस जलाना है, तभी मैं जला लूँगी। अभी इसको धीरे धीरे बंद आँच जो बंद गैस है ना उसी पे इसको सेकूँगी, तो अच्छे से ये सिका जाएगा, और तभी ये खस्ता बनेगी। बहुत धीरे धीरे इसको सेकना पड़ता है पेशेंस के साथ, तो ये मठरी अच्छी बनती है, स्वाद बहुत अच्छा आता है, स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से अपनी सभी मठरियों को सेक लें।
तो आप देख सकते हैं मेरी सारी मटरियाँ ऐसे धीमी आँच पे कैसे सुनहरा सिकना है। इसको देखिए, अगर तेज़ आँच होता तो इसका मतलब कलर डार्क हो जाता है। इसको बिल्कुल डार्क नहीं करना है, धीमी आँच पे सुनहरा होने तक ही इसको सेकना है बहुत पेशेंस के साथ। तो देखिए, मैंने जो भी मेरा बचा हुआ था उसको भी डाल के मैं ऐसे सेक लूँगी। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय।